हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यानी प्रशांत पुवार के लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जो कि है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम टीएसपी के ऊपर मैं आगे बोलूं उससे पहले दो बातें बताना चाहता हूं। पहला तो ये कि ये सीखने से पहले आपको हंगेरियन असाइनमेंट मेथड सीख लेना चाहिए। आप में से जिन लोगों को हंगेरियन असाइनमेंट मेथड सीखना बाकी है वो लोग मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के नाम से, वहां जाके हंगेरियन असाइनमेंट मेथड सीख सकते हैं जो कि मैंने अलग अलग एग्जांपल्स लेके डिटेल में डिस्कस की है। हंगेरियन असाइनमेंट मेथड सीखने के बाद ही आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कि ये जो टेक्निक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो सीखने की ट्राई कीजिए, आ ही जाएगा, क्योंकि हंगेरियन असाइनमेंट मेथड के ऊपर ही ये बेस्ड है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले हंगेरियन असाइनमेंट मेथड ठीक से सीख लीजिए, इंडिपेंडेंटली सम सोल्व करना सीख लीजिए, बाद में ही ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सोल्व करना सीखिए। और दूसरी बात, अब तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं हाउ टू सॉल्व अ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो जैसा मैंने बताया कि हम हंगेरियन असाइनमेंट मेथड यूज करने जा रहे हैं और वो तो असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड है। जी हाँ, हम लोग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्व करने की ये जो टेक्निक सीखने जा रहे हैं उसमें पहला पार्ट जो है वो ऐसा है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम ही समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है क्या। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का जो फॉर्मेट है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि जो सेल्समैन है वो किसी एक सेंटर जो कि ओरिजिन या उसका होम टाउन या जिसे आप स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं वहां से अपनी जर्नी शुरू करता है। और शर्त ये है कि बाकी के सब सेंटर सिर्फ एक बार विजिट करके उसे ओरिजिन पे वापिस आना है। तो ये पहली कंडीशन ही है, to return to the origin, that is starting point, after visiting each place only once. मैं इसे primary condition कहता हूं। ये satisfy होना आवश्यक है। Cost, distance या time की बात इसके बाद में ही सोचेंगे। दूसरा, जैसा कि assignment problem का objective है, minimum cost और minimum time और minimum distance जो कि इसमें लागू होता है वो तो रहता ही है, लेकिन ये जो प्राइमरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करने के बाद जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। इसीलिए मैं पॉसिबली मिनिमम और लोएस्ट पॉसिबल ऐसे वर्ड यूज करना पसंद करता हूं। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का फॉर्मेट है। ट्रैवलर ए से स्टार्ट करके बी सी डी ई होके फिर ही बाद में ही ए वापिस आएगा। ओके, ये पूरा जो जर्नी है वो लोएस्ट पॉसिबल डिस्टेंस या टाइम या कॉस्ट से होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। लेकिन ये जो टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहले हम इसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है ऐसा जो कुछ भी है वो भूल जाएंगे पहले पार्ट में, इसे असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह ही लेंगे। और हंगेरियन असाइनमेंट मेथड से पहले इसे असाइनमेंट प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया ऐसे हंगेरियन असाइनमेंट मेथड अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो ही आगे की बात समझ में आएगी। हंगेरियन असाइनमेंट मेथड में होता क्या है, पहला स्टेप है रो रिडक्शन, हर एक रो में से जो लोएस्ट वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। जैसा कि ये एग्जांपल मैंने यहां पे रखा है उसमें मैंने ये रो रिडक्शन कर दिया, लोएस्ट कॉस्ट या लोएस्ट जो इसमें टाइम है ये ट्रैवलिंग टाइम इन आवर्स, तो वो मैंने हर एक रो में से उनका जो लोएस्ट टाइम है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। बाद में हमें चेक करना है कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में एटलीस्ट एक जीरो है कि नहीं, होना ही चाहिए। देखिए इस कॉलम में नहीं है तो क्या करना है, तो जो रो रिडक्शन वाला स्टेप है वो कॉलम रिडक्शन के नाम से हमें रिपीट करना है। हर एक कॉलम में से लोएस्ट कॉस्ट, इसी टेबल में से हर एक कॉलम में से लोएस्ट कॉस्ट हमें या रदर लोएस्ट वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। तो बाकी के जो चार है उसमें तो लोएस्ट वैल्यू है वो जीरो है तो वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये जो सी है जिसमें कि एक भी जीरो नहीं है उसमें लोएस्ट वैल्यू वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉलम बदल जाएगा और पूरा का पूरा टेबल स्टेप टू के बाद ऐसा दिखाई देगा। ये
आपको समझने में आसानी रहे और ये बेसिक्स वाला जो लेक्चर है वो जल्दी खत्म हो सके, इसीलिए मैंने ये सब करके ही छोड़ा है। रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन के बाद हर एक रो और हर एक कॉलम में एटलीस्ट 10 मिलेगा। दैट मींस अब ये टेबल है वो असाइनमेंट के लिए तैयार है, तो हम असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट में हंगेरियन असाइनमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले रो में ही करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएंगे। और रो में भी पहले राउंड में क्या है, वही रो असाइनमेंट के लिए एलिजिबल होगा जहां पे ओरिजिनली एक जीरो है। ओरिजिनली एक जीरो का मतलब कैंसलेशन के बाद में नहीं, जब हम असाइनमेंट करते हैं तो जहां पे असाइनमेंट करते हैं उसी रो में या कॉलम में दूसरे जीरो है वो हम कैंसल करते हैं, तो कैंसलेशन के बाद नहीं, ओरिजिनली एक ही जीरो वाले रो में पहले हम करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए ए ऊपर एक ही जीरो है तो वहां पे हमने असाइनमेंट किया, तो ए में असाइनमेंट किया हमने कॉलम ई में, तो एक साथ दो जगह पे असाइनमेंट, रो ए और कॉलम ई। इसके लिए अब क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ए रो के साथ साथ कॉलम ई में असाइनमेंट हो गया तो कॉलम ई में दूसरे जो जीरोज है वो हमें कैंसिल करने पड़ेंगे, तो ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए बी में ओरिजिनली 2 है, ये हमने कैंसिल किया इस असाइनमेंट के वक्त, इसीलिए अब बी में 1 रहता है, तो बी ऐसे ही एलिजिबल नहीं बना देते हम असाइनमेंट के लिए। ओरिजिनली बी में 2 थे इसीलिए हम बी को छोड़ देते हैं, ओरिजिनली 1 वाला रो ही पहले पकड़ेंगे। तो सी में लेते हैं, देखिए ओरिजिनली 1 है, तो सी में हम कॉलम डी में असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम कंसिडर करते हैं उसे पहले रो सी, एलिजिबिलिटी पॉइंट हम रो सी ही बोलेंगे इसे। यहां पे असाइनमेंट किया तो अपने आप ही कॉलम डी में असाइनमेंट हो गया, कॉलम डी में और कोई जीरो नहीं है तो कैंसिल नहीं करते। सिमिलरली रो डी में भी ओरिजिनली 1 है तो वहां पे हम असाइनमेंट कर देंगे, यहां पे असाइनमेंट किया तो अपने आप कॉलम बी में भी असाइनमेंट हो गया और इसी कॉलम में और कोई जीरो नहीं है इसलिए कैंसिलेशन नहीं होगा। रो ई में 2 है क्योंकि अभी तक हमने 1, 2 और 3 असाइनमेंट किए, तो ये 0 आपके लिए अभी कैंसिल नहीं हुआ है, तो इसमें ओरिजिनली 1 नहीं है इसलिए रो ई छोड़ देना पड़ेगा। तो रो ए सी और डी में ओरिजिनली 1 थे इसीलिए वहां पे हमने असाइनमेंट कर दिए। अब कॉलम की बारी, कॉलम में भी पहले राउंड में ओरिजिनली 1 वाला कॉलम ही एलिजिबल होगा असाइनमेंट के लिए, कैंसलेशन के बाद में 1 बचा है तो वो कॉलम हम कंसिडर नहीं करेंगे, वहां पे हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट। तो देखिए पहला कॉलम आएगा ए, ए में ओरिजिनली 1 है तो यहां पे हम असाइनमेंट करेंगे, यहां असाइनमेंट करते हैं कॉलम ए में तो रो ई में अपने आप असाइनमेंट हो गया इसीलिए ये 0 कैंसिल करना पड़ रहा है। कॉलम बी में ऑलरेडी असाइनमेंट है, कॉलम सी वो ओरिजिनली 1 वाला नहीं है इसीलिए अभी हम उसे नहीं छेड़ते, कॉलम डी में ऑलरेडी असाइनमेंट हो गया है, कॉलम ई में भी हो गया है, अब तक हमने 4 असाइनमेंट किए, ओरिजिनली 1-0 वाले सभी रो देख लिए, ओरिजिनली 1-0 वाले सभी कॉलम देख लिए, फिर भी 4 ही असाइनमेंट हुए। अब फिर से रो की बारी, फिर से ऊपर से नीचे की तरफ रो देखने हैं, लेकिन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल देते हैं, कैंसलेशन के बाद जिसमें 1-0 बचा हुआ है वही रो असाइनमेंट के लिए एलिजिबल होगा। तो ए में तो ऑलरेडी असाइनमेंट हो गया है, आपके लिए बी में असाइनमेंट बाकी है, और देखिए बी में इस कैंसलेशन के बाद ये 1-0 बचता है, वहां पे आखिरी असाइनमेंट कर दिया हमने, और सी कॉलम में असाइनमेंट बाकी ही था क्योंकि सी कॉलम का 0 है वो हमने कैंसल किया था जब हमने रो ई में असाइनमेंट किया था। तो अब सिचुएशन क्या है, ए बी सी डी ई रो सभी में एक एक असाइनमेंट है, ए बी सी डी ई सभी कॉलम में एक एक असाइनमेंट है, तो यहां पे हमने क्या किया, असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन पता लगा लिया, ये जो है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन हम तो कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं कर रहे, हम तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सोल्व कर रहे। तो पहले क्या करना है कि पार्ट 1 में हमने जो असाइनमेंट प्रॉब्लम समझकर हंगेरियन असाइनमेंट मेथड से जो सॉल्यूशन अचीव किया है उसे अब चेक करेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए कि ये खास करके पहला वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये पहला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है तो वो अपने आप में ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन समझ सकते हैं हम लोग। तो चेक करते हैं कि क्या है कंडीशन। टू रिटर्न टू द ओरिजिन, जहां से जर्नी स्टार्ट की है वो पॉइंट ओरिजिन है। आफ्टर विजिटिंग ईच प्लेस ओनली वंस, ए से कहां जा रहा है ई और ई से ए वापिस आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ई से ए से स्टार्ट करके ई होके फिर ए आ गया बिना बी सी डी विजिट किए। दैट मींस ये पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दैट मींस ये जो सॉल्यूशन है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है, लेकिन हमारे जो हमारा ओरिजिनल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये नहीं बनता, क्योंकि बिना सभी सेंटर की विजिट किए ये ओरिजिन पे वापस आ जाता है, इसे ब्रोकन जर्नी कहते हैं। तो ये ब्रोकन जर्नी है। तो अब क्या करना है, तो समझो कि हम आधे रास्ते पहुंच गए। पार्ट टू में अब कॉन्शियसली हम क्या करेंगे, ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसे मॉडिफाई करेंगे। अब एक रहस्य समझते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने कैसे अचीव किया। जहां पे जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है वहां पे हमने असाइनमेंट किए और ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त किया। अब बात यह है कि मॉडिफिकेशन यानी कि हम थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो हम एडजस्टमेंट कहां पे करते हैं, हम एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है डिस्टेंस या टाइम या कॉस्ट में। वो थोड़ा बढ़ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हर एक जगह पे एक बार होकर ही वापिस आना है। तो हम कॉस्ट में या डिस्टेंस में या टाइम में एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम जीरो की जीत छोड़ दे, जीरो पे ही असाइनमेंट करने की जीत छोड़ दे और जीरो से इमीडिएटली हायर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वहां पे असाइनमेंट करके देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, क्या ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम इस तरह से ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो हमारे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाए। तो तरीका क्या है कि जो जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उससे इमीडिएटली हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि इसमें वन है, जो ओपन वैल्यू से उसमें ही रहेगी वो, तो वहां पे असाइनमेंट करके देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहां पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि अगर एक से ज्यादा जगह पे ऐसी ग्रेटर देन जीरो लीस्ट कॉस्ट मिलती है तो शुरुआत कहां से करेंगे। शुरुआत करने के लिए हमारा प्रेफरेंस रहेगा जिस रो में ये जो ब्रोकन जर्नी है वो है, या तो जो रो इस ब्रोकन जर्नी का पार्ट है वहां पे अगर हमें ये लीस्ट कॉस्ट लेकिन ग्रेटर देन जीरो, तो वहां पे हम पहले एफर्ट्स लेंगे कि वहां से असाइनमेंट किया जाए। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, रो ए और रो ई दो ही शामिल है यहां पे ब्रोकन जर्नी में। तो रो ए में या रो ई में या दोनों में अगर हमें ग्रेटर देन जीरो लिस्ट कॉस्ट मिलती है तो पहले हम वहां जाएंगे असाइनमेंट करने के लिए। तो अब इसका तरीका क्या हुआ कि हम एक ट्राई ऐसी करते हैं कि रो ए में जीरो की बजाय इमीडिएट हायर वन में असाइनमेंट करते हैं तो क्या होता है। ये ट्रायल की बात है, जरूरी नहीं है कि एक ट्रायल के बाद हमें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का हल मिल जाए, दो तीन चार ट्रायल भी कर सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ऑब्वियसली मैंने पहला केस जो डिस्कस करने के लिए सिलेक्ट किया वो ऐसा ही है कि एक में ही हो जाएगा। लेकिन तरीका क्या है, तो ब्रोकन जर्नी में जो रो शामिल है, जो पार्ट ऑफ ब्रोकन जर्नी है, उसमें ही अगर जीरो से ग्रेटर लेकिन लोएस्ट ओपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलती है तो वहां पे असाइनमेंट करते हैं। तो ओरिजिनली एक जीरो वाला जो रो है उसमें हम मॉडिफिकेशन क्या करते हैं कि उसमें हमें वन मिल रहा है,
तो देख लीजिए, पहले मैं ये रिपीट कर दूं पूरा का पूरा। ये डेज जो है वो सेम सेंटर के लिए है, ए से नहीं जा सकते, बी से भी नहीं जा सकते, सी से सी, बी से डी और ई से ई, इसलिए डैश है। कई लोग इनफाइनाइट का साइन यूज करते हैं, कई लोग अल्फाबेट्स यूज करते हैं, डैश दैट मींस देयर इज नो कॉस्ट। ओके, अब क्या करेंगे, तो ए में हमें जीरो से इमीडिएटली हायर लिस्ट कॉस्ट मिल रहा है, इसलिए ए में पहले हम असाइनमेंट बदलते हैं। ये हमारा पहला असाइनमेंट है, इसका रिजल्ट क्या होगा, एक तो सेम रो में जो दूसरा जीरो है वो कैंसिल करेंगे और सेम कॉलम में जो दूसरा जीरो है वो कैंसिल करेंगे। फिर से समझ लीजिए, ए में जीरो की बजाय हमने इमीडिएट हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिलेक्ट किया, क्योंकि रो ए है वो ब्रोकन जर्नी का पार्ट है, तो वहां हम पहले एफर्ट्स करेंगे। तो यहां हमने रूल कौन सा फॉलो किया, विदाउट कैंसिलेशन ओनली वन जीरो की बजाय विदाउट कैंसिलेशन ओनली वन इमीडिएट हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हो गया, अब क्या करेंगे, तो बाकी के रो में जीरो है वही रखेंगे, क्राइटेरिया वही रहेगा, ओरिजिनली ओनली वन जीरो, रो विथ ओरिजिनली ओनली वन जीरो। यहां पे दो जीरो है छोड़ दीजिए, सी में एक ही जीरो है, तो यहां पे हम करेंगे हमारा दूसरा असाइनमेंट। सेम कॉलम में कोई जीरो नहीं है, इसीलिए कैंसलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें दो वन है तो अभी इसमें हम नहीं जाएंगे, हम ओरिजिनली वन जीरो या वन वन में ही जाएंगे। इस रो में दो जीरो है तो अभी इसे भी एलिजिबल काउंट नहीं करते, तो रो में तो चलो दो असाइनमेंट हो गए। अब बारी कॉलम की, सेम रूल, ओरिजिनली ओनली वन जीरो और ओरिजिनली ओनली वन वन। तो सबसे पहले ओरिजिनली एक जीरो वाला कॉलम मिल रहा है, ये यहां पे हम तीसरा असाइनमेंट करते हैं और क्या होगा, सेम रो में जो दूसरा जीरो है वो कैंसिल हो जाए। यहां पे ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, बराबर, यहां कैंसलेशन के बाद में एक जीरो है, इसीलिए अभी ये कॉलम एलिजिबल नहीं होगा, पहले ओरिजिनल एक जीरो वाले ही कॉलम एलिजिबल होंगे। इस कॉलम में देखिए तो ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, इसमें भी कैंसलेशन के बाद में एक जीरो है, इसीलिए अभी ये कॉलम भी एलिजिबल नहीं है। तो हमने ओरिजिनली एक जीरो वाले सभी रो और कॉलम देख लिए और देखा कि हमारे पास तीन ऑप्शंस है। अब क्या करेंगे, तो फिर से रो में जाएंगे, कैंसलेशन के बाद एक जीरो वाला अगर रो मिलता है तो वहां पे असाइनमेंट करते हैं। देखिए ये रो खाली है तो नहीं आएगा, ये रो खाली है, इसमें एक जीरो था वो कैंसिल हो गया, अब तो दो वन है, तो क्या होगा, फिर कॉलम में जाते हैं, कैंसलेशन के बाद एक जीरो वाला कॉलम मिलता है हमें, अगर वो मिलता है तो हम वहां पे असाइनमेंट करेंगे कैंसलेशन के बाद एक, क्योंकि ओरिजिनली वन जीरो वाला जो कॉलम है उसमें तो कुछ असाइनमेंट नहीं हुआ, तो इसमें ऑलरेडी हो गया, इसमें ऑलरेडी हो गया, इसमें देखिए कैंसलेशन के बाद ये एक जीरो ओपन है, तो वहां पे हम अपना फोर्थ असाइनमेंट करेंगे। यस, और इसके बाद क्या होगा, ये जीरो हो गया कैंसिल, इसमें ऑलरेडी हो गया है, इसमें दो जीरो थे दोनों कैंसिल हो गए, तो अब इस कॉलम में असाइनमेंट करने का एक ही रास्ता बचता है, क्या, लीस्ट कॉस्ट इमीडिएटली हायर देन जीरो जो है वहां पे असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो ये वन अपने आप एलिजिबल बनाता है इस कॉलम को, और यहां पे हम हमारा पांचवा असाइनमेंट करेंगे, और देख लीजिए 1 2 3 4 5 पांचों कॉलम में असाइनमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 पांच के पांच रो में भी असाइनमेंट हो गया। चलो देखते हैं कि यहां पे वो कंटिन्यूअस जर्नी वाला जो हमारा रोल रूल है, कंडीशन है, वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ही हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है, ए से स्टार्ट करेंगे, ए से कहां पे जाते हैं, बी, ए टू बी,
बी से कहां जाएंगे सी, डी टू सी, सी से कहां जाने वाले हैं डी, सी टू डी जा रहे हैं, डी से कहां जाएंगे, डी से जाएंगे ई, और ई जाने के बाद ए वापस आएंगे। यस, देख लीजिए यहां पे क्या होता था, ई के बाद ही ए आते थे, लेकिन ए से ही जाके ई से ए वापस आ जाते थे, जर्नी टू बी सी एंड डी नहीं हो पा रही थी। यहां पे देख लीजिए ए से स्टार्ट होता है, बी सी डी ई सब जगह पे होके ही ए वापस आ रहे, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड टू स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड टू रिटर्न टू द ओरिजिन अगेन ओनली आफ्टर विजिटिंग ऑल प्लेसेस ओनली वंस। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब हुआ ये है हमारे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और ए से बी का टाइम लगता है 2 आवर्स, बी से सी का 3 आवर्स, सी से डी का 4 आवर्स, डी से ई का 5 आवर्स और ई से ए का 1 आवर, 15 आवर्स टोटल। अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखे तो टोटल टाइम 15 से कम आएगा, लेकिन मॉडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ, असाइनमेंट का जो लीस्ट पॉसिबल टाइम था उससे ज्यादा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का लीस्ट पॉसिबल टाइम आएगा। लेकिन हम टाइम में एडजस्टमेंट करने के लिए या कॉस्ट में एडजस्टमेंट करने के लिए या डिस्टेंस में एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है, शर्त क्या है, फर्स्ट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ओनली आफ्टर विजिटिंग ऑल द प्लेसेस द सेल्समैन रिक्वायर्स टू रिटर्न टू द ओरिजिन। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई होके फिर ए वापिस आ रहा है हर एक जगह पे विजिट करने के बाद। आई होप कि आपको ये लेक्चर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह कैसे सॉल्व करते हैं ये समझने में क्या हेल्पफुल हुआ होगा। इसके बाद भी हम ऐसे ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जहां पे हमें एक से ज्यादा ट्रायल करनी पड़े। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस लेक्चर को और सभी लेक्चर्स को लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को, बाकी लोगों को भी मेरा चैनल, मेरे लेक्चर्स रिकमेंड करना मत भूलिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।